दोस्तों यूपी बोर्ड ने रिकॉर्ड बनाया है कॉपी चेकिंग के मामले में। इस बार 31 मार्च को सबसे तेज 12 दिन में मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया है और बच्चों रिजल्ट डेट भी घोषित हो चुकी है। यहां पर रिजल्ट डेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। 12 दिनों में परीक्षा हुई और 12 दिनों में ही दोस्तों मूल्यांकन कार्य समाप्त कर दिया गया कॉपी चेकिंग का। रेमार्क स्टेप मार्किंग से आप सभी को अच्छे नंबर मिले हैं। जिन बच्चों ने बनाकर लिखा था, मिलता जुलता लिखा था, जिन्होंने प्रश्नों को हल करने की कोशिश की है बच्चों, उनको अच्छे नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। रेमार्क के द्वारा कॉपी को एक बार फिर से देख कर जो बच्चे कम नंबरों से फेल हो रहे थे उनको पास करने का यहाँ पर प्लान किया गया है, बोर्ड के द्वारा व्यवस्था की गई है। ग्रेस मार्क वगैरह देके भी पास करने का सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। सिंपैथी से सभी को दोस्तों पास किया जाएगा जिन बच्चों ने लिखने की कोशिश की है, मिलता जुलता लिखा है। रिजल्ट डेट जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो बच्चों आपको बिल्कुल नहीं डरना है, कॉपी चेकिंग में बिल्कुल यहाँ पर सख्ती नहीं करी गई है कि आप ये मत डरिएगा कि कहीं फेल ना हो जाऊं। स्टेप मार्किंग से यहाँ पर सभी को अच्छे नंबर दिए गए हैं। केवल उन्हीं बच्चों को फेल किया गया है जिन्होंने बिल्कुल सादी कॉपी यहाँ पर छोड़ी थी। तो यूपी बोर्ड में इतिहास बन सकता है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 दिन में यहाँ पर कॉपी चेकिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है और रिजल्ट डेट भी घोषित होगी। पिछले सालों में जो रिजल्ट घोषित हुआ था आप देख सकते हैं, 2018 में 29 अप्रैल को, 2019 में 27 अप्रैल को, 2020 में 27 जून को, 21 में परीक्षा नहीं हुई थी, 22 में 18 जून को और 23 में 25 अप्रैल को। यानी इस बार 25 अप्रैल से पहले भी रिजल्ट आ सकता है, ये 15 से 20 अप्रैल तक भी रिजल्ट आ सकता है। यहाँ पर यूपी बोर्ड इसके लिए ऑफिशियल अपडेट दे सकता है। तो हर एक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको अपडेट दूंगा। अप्रैल के दूसरे से तीसरे सप्ताह तक या अंत अप्रैल तक रिजल्ट आपका जरूर आ जाएगा। आपको कितने परसेंट की उम्मीद है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।